वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के आपके सेकंड लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम लोग अपने सर्वे को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस देखा था और सर्वे के डिफिनेशन और ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, तो उसी उद्देश्य को थोड़ा और जान लेते हैं, फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार फिर से ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के उद्देश्य। तो कुछ चीजें हमने जानी थी उस दिन, उसी चीज को थोड़ा सा और कई और कुछ पॉइंट्स थे उनको आपको बताना था। तो पहला पॉइंट था हम लोग सर्वे के जरिए किसी क्षेत्र का लीनियर मेजरमेंट करते हैं, रेखीय मापन करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। जैसे कोई हमारा ग्राउंड है, इस तरीके से इस ग्राउंड का हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये सारे डिस्टेंस को मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, मान लो ये भी 5 मीटर, ये 3 मीटर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक। कोणीय मापन, तो कोणीय मापन करने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, कोणीय मापन के लिए, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करने के लिए, उच्चता ज्ञात करने के लिए। उसके साथ और कुछ पॉइंट्स आपको बता दें, जैसे चौथा रेलवे रोड कैनाल के अलाइनमेंट निर्धारित करने के लिए, ठीक। रोड रेलवे कैनाल के अर्थवर्क के लिए, अर्थवर्क से मतलब मिट्टी कटाई और मिट्टी भराई, कि कितना मिट्टी काटा जाएगा, कितना मिट्टी निकाला जाएगा, कितना भरा जाएगा, वो चीज। उसके साथ साथ डैम और रिजर्वायर की कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए, सॉरी कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए। और क्या क्या चीजें इसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया ज्ञात करने के लिए। उसके अलावा भूमि तल के नीचे खनिजों का पता लगाने के लिए,
ये कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपना सर्वे करते हैं। क्या? क्षेत्र का लीनियर मेजरमेंट करने के लिए, एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए, लीनियर मेजरमेंट के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, विभिन्न बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करने के लिए, रेलवे रोड या कैनाल के अलाइनमेंट निर्धारित करने के लिए, संरेखण निर्धारित करने के लिए, रेलवे रोड कैनाल के अर्थवर्क, अर्थवर्क से हम मतलब है मिट्टी भराई, कटिंग मतलब कटाई या भराई के लिए, फिलिंग के लिए, कितना मट्टी कट के निकलेगा वहां से, कितना मट्टी भराई के लिए आगे आएगा, कटिंग फिलिंग वहां पे आप समझोगे। अभी बस इतना जानो कि मिट्टी कटाई के लिए और मिट्टी भराई के लिए। फिर डैम या रिजर्वायर की कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, भूमि तल के नीचे ग्राउंड लेवल के नीचे खनिजों का पता लगाने के लिए, और एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ ऊपर भी दे रहे हैं, नौवां, शहर या क्षेत्रों का सीमा निर्धारण के लिए, सीमा निर्धारण के लिए, ठीक। शहर हो गया, कोई गांव हो गया, कोई देश हो गया, तो उसकी सीमा निर्धारण के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, उनकी बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए, उनकी ये सीमा है उसको निर्धारित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। सर्वे भी क्या है, उद्देश्य है, ये कारण है जिनके लिए हम क्या करते हैं, सर्वे का वर्क करते हैं। तो क्लियर हो गया अब आप लोगों को उद्देश्य, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण का वर्गीकरण। बेसिकली सर्वे को हम लोग वर्गीकृत करते हैं दो भाग में, किस बेसिस पे, धरातल के हिसाब से। मतलब आप लोग जानते हो कि जो हमारा अर्थ है वो किससे में, घनाभ शेप में है, ठीक। जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो कुछ इस तरीके से घनाभ शेप में है, ठीक। मतलब जो उसका सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ वक्रता है, कर्वेचर है, एकदम हमारा जो ग्राउंड है वो प्लेन नहीं है। अगर ग्राउंड को आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें क्या है, वक्रता है इस तरीके से, ठीक। तो इसके आधार पे सर्वे को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, दो आधार पे। तो पृथ्वी की वक्रता के आधार पे सर्वे को हम लोग बेसिकली कितने हिसाब से डिवाइड करते हैं, पृथ्वी की वक्रता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, प्लेन सर्वेइंग, समतल सर्वेक्षण। हिंदी में लिख लीजिएगा समतल सर्वेक्षण, और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग, एक है हमारा प्लेन सर्वेक्षण और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेक्षण। हिंदी में इसको कहेंगे भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो पृथ्वी की वक्रता के आधार पर कितने टाइप के हम लोग हो गए, एक प्लेन सर्वेइंग हो गया, एक जियोडेटिक सर्वेइंग हो गया। तो प्लेन सर्वेइंग किसको कहेंगे, जब पृथ्वी की वक्रता को हम सर्वे करते समय ध्यान नहीं देते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सर्फेस को क्या मान लेते हैं, एकदम प्लेन मान लेते हैं, तो वो सर्वेइंग हमारा क्या कहलाता है, प्लेन सर्वेइंग कहलाता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से हमारा है, ठीक। अब इस एरिया में हमने क्या किया, पूरी तरीके से एकदम सीधा मान लिया इस तरीके से। अब इस क्षेत्र का जब हम सर्वे करेंगे, तब उसको सर्वे को हम क्या कहेंगे, प्लेन सर्वेइंग कहेंगे, प्लेन सर्वेइंग कहेंगे, ठीक।
क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वी की वक्रता को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, पृथ्वी की वक्रता को हम क्या कर दे रहे हैं, निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे समतल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सर्वेक्षण क्या कहेंगे, प्लेन सर्वे, क्योंकि वहां पृथ्वी की कर्वेचर को हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 1.23 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल जाने पे जो कर्वेचर वो हमारा कितना होता है, 1 mm होता है। ठीक, कितना, 1.23 किलोमीटर जाने पे जो पृथ्वी की वक्रता जो होती है, सरफेस में जो डिफरेंस आता है हमारा कितना आता है, 1 किलोमीटर का आता है। जैसे अब इसको समझने की कोशिश करिए, हम इस तरीके से सीधे सीधे हम कितना जा रहे हैं, 1.23 किलोमीटर। जब 1.23 किलोमीटर हम सीधे जाएंगे तो ये चीज देखेंगे कि इस तरीके से पृथ्वी की वक्रता है, इसमें ये डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस हमारा कितना होगा, 1 mm का डिफरेंस होगा। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा क्या होता है, एरिया बहुत ही, मतलब जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है और जो डिफरेंस होता है बहुत ही हमारा कम होता है। मतलब ये जो चीज है ये हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है 1 mm ये हमारा क्या है, बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसीलिए करते हैं कि पृथ्वी की वक्रता को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं और पृथ्वी को हम प्लेन मान के क्या करते हैं, सर्विंग कर लेते हैं। तो वो सर्विंग हमारा क्या कहलाता है, प्लेन सर्विंग कहलाता है। ठीक, ये हम छोटे क्षेत्रों के लिए कहते हैं, छोटे क्षेत्र इंस्टेंस की 260 किलोमीटर स्क्वायर से जब हमारा क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग करेंगे। समझ में आई बात, कि जिस क्षेत्र में हम सर्वे कर रहे हैं जब वो क्षेत्र हमारा 260 किलोमीटर स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा। ठीक, तब उस केस में हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग को हम करते हैं। ये मान लेते हैं कि 260 किलोमीटर, ये अमेरिका सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सर्वेइंग, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अमेरिकन सर्वेइंग के अनुसार 260 किलोमीटर स्क्वायर हमारा जो क्षेत्र होता है वो हमारा छोटा क्षेत्र होता है, उसके लिए हम लोग प्लेन सर्वेइंग को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लेन सर्वेइंग में नॉर्मली हम लोग कौन कौन से मेजरमेंट करते हैं, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक, लीनियर मेजरमेंट को बहुत ही आसानी से और एंगुलर मेजरमेंट को भी बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे क्षेत्र किस तरीके से मान ले रहे हैं, एक समतल मान ले रहे हैं, तो वहां पे वो सर्वे करना हमारा क्या जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या क्या है, पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्लेन सर्वे में कि अर्थ के वक्रता को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1.23 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल जाने पे जो अंतर होगा कितना होगा, 1 mm का अंतर होगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, 260 किलोमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा क्या होगा, छोटा क्षेत्र होगा, और वहां पर हम कौन सा सर्वे अडॉप्ट करेंगे, प्लेन सर्वेइंग अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सर्वे। तो क्लियर है, प्लेन टेबल, प्लेन सर्विंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लेन सर्विंग हमारा क्या होता है। तो प्लेन सर्विंग सिंपल सा, सरफेस को क्या कर रहे हैं, प्लेन मान दे रहे हैं, अर्थ की वक्रता को क्या कर दे रहे हैं, निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जियोडेटिक सर्विंग कहते हैं। जियोडेटिक सर्विंग, जियोडेटिक सर्विंग, चलो भैया अब जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, अर्थ की वक्रता तो को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट नहीं करते हैं, अर्थ के कर्वेचर वक्रता को निग्लेक्ट नहीं करते हैं,
उसको मान कर हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। अगर हम सर्वे का बात कर रहे हैं, अगर हमारा पृथ्वी का इस तरीके से है, तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो इसके लेंथ को मेजर करेंगे, वो लेंथ भी हम ऐसे मेजर करेंगे, जो एंगल भी मेजर करेंगे वो भी इसके हिसाब से करेंगे, हर चीज हम क्या करेंगे, अर्थ की वक्रता को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसलिए इसमें एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होती है। इसमें क्या होती है, एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होती है। यहां पे क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट करना है, मुश्किल होता है, ठीक, करना कठिन होता है, तब इसमें मेथड कौन सा यूज करेंगे, यहां पर ट्रायंगुलेशन मेथड यूज किया जाता है, ट्रायंगुलेशन मेथड यूज किया जाता है। बात समझ में आई, क्या क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती है, लीनियर मेजरमेंट करना कठिन होता है। अब तुमको ये डिस्टेंस नापना रहेगा, डिस्टेंस नापने क्या होगा, दिक्कत आएगी, यहाँ पे चैन या टेप लगाओगे तो बहुत ही तुमको डिस्टेंस नापने क्या होगा, दिक्कत आएगा, ठीक। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। क्लियर है बात, एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होती है, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करते हैं, और अर्थ की वक्रता को इग्नोर नहीं करते हैं। ये इनके जियोडेटिक सर्वेइंग के क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं। तो पृथ्वी की वक्रता के अनुसार कितने तरीके के, दो, एक हमारा प्लेन सर्वे, एक हमारा जियोडेटिक सर्वे। तो क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा बात, ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक। और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में कभी कभी क्या करता है कि डायरेक्ट इन दोनों का नाम दे के पूछ देगा, जैसे शॉर्ट नोट्स में कह देगा कि प्लेन सर्वेइंग को बताइए, जियोडेटिक सर्वेइंग को बताइए। तो इस तरीके से इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में, कुछ क्लासिफिकेशन है जिनको पढ़ना है, आप लोग को जानना है। ये तो अर्थ की वक्रता के अकॉर्डिंग हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में। पहला है लैंड बेस्ड सर्वेइंग, पहला है लैंड बेस्ड, पहला क्या है, लैंड बेस्ड सर्वे। इसमें हमारा पहला टोपोग्राफिकल सर्वे, पहले नोट कर लीजिए फिर बारी बारी सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है, टोपोग्राफिकल, दूसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक, टोपोग्राफिकल हो गया, कैडेस्ट्रल हो गया, उसके बाद से एरियल सर्वे, उसके बाद से मरीन सर्वे, उसके बाद से एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, और लास्ट हमारा इसमें हो जाएगा सिटी सर्वे, ठीक। लास्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सिटी सर्वे। तो लैंड बेसिस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे कितने होते हैं, ये छह होते हैं।
पहला हमारा क्या है टोपोग्राफिकल, दूसरा है कैडेस्ट्रल, तीसरा है एरियल, चौथा है मरीन, फिर एस्ट्रोलॉजिकल और फिर सिटी सर्वे। ठीक, तो चलिए सबको बारी बारी समझते हैं। पहला हम लोग का क्या है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक और प्राकृतिक हमारा जो चीज है और मानवों द्वारा जो बनाए गए हैं उनका हम क्या करते हैं सर्वे करते हैं, उनकी स्थिति को पता करते हुए हमारा क्या कहलाता है टोपोग्राफिकल। जैसे जैसे हमारा प्राकृतिक क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नेचुरल माउंटेन हो गया, पहाड़ ठीक, लेक ठीक, रिवर ठीक, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और भी जो चीजें हैं ठीक, और आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा बनाया जाता है जैसे रोड हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, ईटीसी ठीक। इन सब का हम क्या करते हैं सर्वे करते हैं और नक्शा तैयार करते हैं। क्या चीज इसमें ज्ञात करते हैं, इसकी स्थिति, पोजीशन, पोजीशन माने लीनियर मेजरमेंट, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट करते हैं ठीक। लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट करके उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति का पता लगाते हैं और उसको नक्शे पे क्या करते हैं अंकित करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। कि मतलब क्षेत्र की स्थिति को पता करना, उसकी जानकारी को इकट्ठा करना हमारा क्या कहलाता है टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। ठीक, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में हम क्या करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे में कोई हमारी कंट्री है, कोई हमारी सिटी है, कोई हमारा विलेज है, उसकी सीमा निर्धारित करते हैं। उसकी हम क्या निर्धारित करते हैं, सीमा को क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री को क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं एरियल सर्वे। एरियल सर्वे में जैसे कहीं बाढ़ ओढ़ आया हो, एरियल सर्वे में क्या करते हैं जैसे कोई बाढ़ आया हो, महामारी आई हो, भूकंप आया हो, कोई त्रासदी आया हो, और ऐसे क्षेत्र का हम क्या करते हैं एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से हम क्या करते हैं उस एरिया का क्या करते हैं मुआयना करते हैं ठीक। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है एरियल सर्वे के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हमारा मरीन सर्वे। मरीन सर्वे मतलब हाइड्रोलॉजिकल, इसको हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से मतलब है, हाइड्रोलिक्स आपको पढ़े हो, हाइड्रोलिक्स में क्या था सिर्फ पानी पानी पानी, वही चीज है हाइड्रोलॉजिकल, मतलब समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, उन सब का क्या कैपेसिटी पता करना, कितना पानी है कितना नहीं है, कब पानी बढ़ता है कब पानी घटता है ठीक, उसकी पूरी डिटेल को क्या करना एकत्रित करना, वो किसके अंतर्गत आता है मरीन सर्वे के अंतर्गत आता है। उसके बाद से एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे। एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, एस्ट्रोलॉजी मतलब जो चीज हमारी पुरातत्व चीज है, पुरातत्व चीज जैसे कोई बहुत पहले पुराने जमाने में कोई बनाई गई इमारत है वो धस गया है, खंडहर हो गया है ठीक, तो उसके जांच करने के लिए, उसके डिटेल को पता करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल हमारा डिपार्टमेंट होता है, तो वो जो सर्वे करता है वो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे कहलाता है। देन आता है हमारा सिटी सर्वे। सिटी सर्वे के अंदर मतलब शहर के अंदर रोड जो है ठीक, या उसकी बाउंड्री है, या जो भी चीजें हैं, बेसिकली रोड हो गया ठीक, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका सर्वे करना हमारा जो आता है किसके अंतर्गत आता है, हमारा सिटी सर्वे के अंतर्गत आता है। तो लैंड बेस्ड सर्वेइंग हमारे कौन कौन से हो गए, टोपोग्राफिकल हो गया, कैडेस्ट्रल हो गया, एरियल हो गया, मरीन हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल हो गया, और सिटी सर्वे हमारा हो गया। फिर दूसरा दूसरा क्या है पर्पस के बेस पे, पर्पस बेस्ड
सर्वे, पर्पस बेस्ड सर्वे में पहला हम लोग का इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे ठीक, उसके बाद से हाइड्रोलॉजी का ठीक, उसके बाद से मिलिट्री मिलिट्री सर्वे ठीक। क्या क्या हमारा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलॉजिकल हो गया, मिलिट्री हो गया, उसके बाद से जियोलॉजिकल के बाद से माइन सर्वे ठीक, और फिर आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पर्पस बेस्ड सर्वेइंग है। तो पहला हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग सर्वेइंग। इंजीनियरिंग सर्वेइंग में जैसे रोड हो गया, डैम हो गया, बिल्डिंग हो गया ठीक, इन सब का जो हमारा सर्वे कहलाता है वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर रहता है। देन हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग वही वाटर से रिलेटेड जितने भी चीज हो गए, वाटर से रिलेटेड जो चीजें हो गया जैसे लेक हो गया ठीक, उसके बाद से कोई नदी हो गया, उन सब में वाटर का पोजीशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना है कितना नहीं है वो चीज। मिलिट्री सर्वेइंग, जो हमारे सैन्य सीमा वाले होते हैं वो अपना जो सर्वे करते हैं, अपनी बाउंड्री निर्धारित करते हैं, रोड बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं ठीक। जैसे BRO हमारे एक डिपार्टमेंट आता है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ये होता है कि मिलिट्री बॉर्डर पे जितने रोड हैं उनका कंस्ट्रक्शन करना, तो वो अपना जो सर्वे करेंगे वो मिलिट्री सर्वे ठीक। जियोलॉजिकल सर्वेइंग, जियोलॉजिकल सर्वेइंग मतलब जो ग्राउंड के नीचे हमारे जो पहाड़ हैं, जो भी चीजें हैं उनका सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे कहलाएगा। माइन सर्वेइंग, माइन जैसे कोयले की खदान हो गया, हीरे की खदान हो गया, ये सब जो खदान होता है उसके लिए उसमें कितना अभी हमारा जो भी खनिज है वो है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितना और खोदना चाहिए माइन को, कितना उसमें से निकालना चाहिए, वो सारे सर्वे किसमें आते हैं, माइन में आते हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे आता है ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, इसमें हमारे ये हमारे हो गए तो कौन कौन से, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजिकल, मिलिट्री, जियोलॉजिकल, माइन और आर्कियोलॉजिकल ठीक। उसके बाद से तीसरा, तीसरा क्या है, देखो पहला क्या हो गया, लैंड हो गया, दूसरा पर्पल हो गया, अगला इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे में जैसे चैन सर्वेइंग ठीक, चैन सर्वेइंग हो गया, कंपास सर्वे हो गया ठीक, उसके बाद से थियोडोलाइट सर्वे हो गया, उसके बाद से एरियल सर्वे हो गया, उसके बाद से और क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके करते हैं, टोटल स्टेशन स्लैश EDM हो गया ठीक। तो चैन सर्वे हो गया, कंपास हो गया, थियोडोलाइट हो गया, एरियल हो गया, देखिए छूट रहा था, लैंड टेबल सर्वे हो गया,
प्लेन टेबल सर्वे। तो ये हमारे किसके बेसिस पे है, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। तो अभी जब सर्वे पढ़ोगे तो सर्वे में आपको पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कंपास हो गया, चैन हो गया, थियोडोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, प्लेन टेबल हो गया, फोटोग्राफिकल सर्वे हो गया। तो ये सब हमारे किसके पे बेसिस है, इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे चैन सर्विंग है तो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, चैन। चैन का उपयोग करके जब सर्वे कर रहे हैं तो चैन सर्विंग। चैन सर्विंग हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो चैन सर्विंग हम लोग क्या मेजर करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। ठीक, क्या मेजर करते हैं, लीनियर मतलब किसी भी क्षेत्र की लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई को मेजर करते हैं, हमारा क्या हो गया, चैन सर्वेइंग हो गया। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हमारा, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, मेन इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, चैन है। इसलिए उस सर्वे का नाम हमारा क्या पड़ गया है, चैन सर्वे। मतलब जो भी सर्वे है, जो उसका मेन इक्विपमेंट है, मेन इंस्ट्रूमेंट है, उसके नाम उस सर्वे का नाम पड़ा है। डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग मेन इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर रहे हैं, चैन यूज कर रहे हैं। उसके अलावा और भी होता है, रेंजिंग रॉड का उपयोग करते हैं, एरो का उपयोग करते हैं, पैग का यूज करते हैं। ठीक, लेकिन जो उसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूरी माप रहे हैं, वो हमारा क्या है, चैन है। तो हमारा क्या होगा, लीनियर मेजरमेंट। देन हमारा क्या है, कंपास सर्वेइंग। इसमें क्या करते हैं, बेयरिंग को मेजर करते हैं। क्या मेजरमेंट करते हैं, बेयरिंग को मेजर करते हैं, दिग्मान को मेजर करते हैं। उसमें जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा क्या है, कंपास है। उसके बाद से थियोडोलाइट, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, कोणीय मापन के लिए। उसमें कोण मापने के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हमारा क्या है, थियोडोलाइट है। एरियल सर्वे या इसको फोटोग्राफिकल सर्वे भी करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं ऊपर से, हवाई जहाज से या उससे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, उस क्षेत्र का ऊपर से क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक करके फिर ऑफिस में जाते हैं, डिटेल सर्वे करते हैं। तो हमारा क्या है, एरियल सर्वे। देन हमारा टोटल स्टेशन है, ईडीएम। ये हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए नॉर्मली यूज होता है। ठीक, तब यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर के लिए यूज कर रहे हैं, ईडीएम का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, उसके बाद से प्लेन टेबल सर्वे, इसमें जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल है, जो हम क्या करते हैं, क्षेत्र का एरिया और ये निकालने के लिए, उसका मैप बनाने के लिए ग्राउंड में क्या करते हैं, करते हैं। तो ये हमारे बेसिस किस पे है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वेइंग है। इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इन सर्वे का काम हम लोग करते हैं। और लास्ट इसमें जो है, लास्ट हमारा है मेथड एम्प्लॉयड सर्वेइंग, चौथा, यही लिख दे रहे हैं, मेथड एम्प्लॉयड सर्वे। इसमें पहला है ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन सर्वे या मेथड, और दूसरा है ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग सर्वे। उसको सही से लिखें, सब सुस्त। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग सर्वे। ठीक, तो मेथड एम्प्लॉयड मतलब कौन से मेथड का उपयोग करके हम लोग सर्वे बेसिकली करते हैं। तो एक हमारा ट्रायंगुलेशन होता है, दूसरा हमारा ट्रेवर्सिंग होता है। इन्हीं दो में हमारे क्या होते हैं, ये सारे मेथड आते हैं, ये जितने भी है इन्हीं दो पे बेस होते हैं। ट्रायंगुलेशन का ट्रेवर्सिंग, ट्रायंगुलेशन हमारा चैन सर्वेइंग हो गया, ट्रेवर्सिंग हमारा कंपास हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ये सब इसी पे बेस करता है। तो ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं कि पूरे क्षेत्र को क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, और उनके जो ट्रायंगल के हमारे कॉर्नर रहते हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ट्रेवर्सिंग में क्या करते हैं, एक माला रेखा तैयार करते हैं। आगे ये चीज डिटेल में आपको पढ़ोगे कि ट्रेवर्सिंग क्या होता है और ट्रायंगुलेशन क्या होता है। तो ट्रेवर्सिंग में क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र को क्या करते हैं, माला रेखा बनाते हैं, मतलब लीनियर मेजरमेंट करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। और ट्रेवर्सिंग में सिर्फ हम लोग एंगुलर मेजरमेंट का उपयोग करेंगे।
इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन और ट्रेवर्सिंग सर्वे का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? एक चीज यहां सही कर लीजिएगा, एस्ट्रोलॉजिकल लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। तो अपने नोट्स में एस्ट्रोनॉमिकल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, इस चीज को आप सही कर दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग वक्रता को देखिए कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक हमारा क्या होता है प्लेन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है जियोडेटिक होता है, एक हमारा क्या होता है प्लेन और दूसरा हमारा क्या होता है जियोडेटिक होता है। उसके बाद से लैंड बेस, उसके बाद से क्या होता है लैंड बेस सर्विंग होता है। पहले प्लेन में हम लोग क्या पढ़े थे, प्लेन में पढ़े थे कि पृथ्वी की वक्रता को हम क्या करते हैं जब ध्यान में नहीं देते हैं और तब सर्वे करते हैं, तो वो सर्वे हमारा क्या कहलाता है प्लेन सर्विंग कहलाता है। उसमें जो हमारा 1.23 किलोमीटर पे जाते हैं तो वक्रता का जो अंतर होता है हमारा कितना होता है 1 mm होता है, 260 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो हमारा वो छोटा क्षेत्रफल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सर्वे। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे जियोडेटिक सर्वे, जब पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखकर हम सर्वे करते हैं तो वो सर्वे हमारा क्या कहलाता है जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा पहला लैंड बेस सर्वे। ठीक, किस प्रकार का हमारा जमीन है, किस प्रकार है उसके अकॉर्डिंग, तो पहला हम लोग क्या है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे में जो भी हमारे नेचुरल है या जो भी हमारे आर्टिफिशियल है, जैसे नेचुरल में हमारा पहाड़ हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, झरना हो गया, ठीक, इन सब का सर्वे करेंगे, या आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा बनाया जाता है जैसे भवन हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया, बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, जितने भी चीजें हैं तो उनका जब हम लोग सर्वे करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। उसके बाद से अगला मैंने बताया कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, किसी भी राज्य का हम क्या करते हैं सीमा निर्धारित करते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आता है। उसके बाद से एरियल सर्वे, किसी भी क्षेत्र का हम क्या करते हैं बाढ़ आया हो कहीं पे, या कहीं पे हमारा सूखा पड़ा हो, भूकंप आया हो, कोई त्रासदी आया हो, तो उस क्षेत्र का हम क्या करते हैं ऊपर से हम क्या करते हैं मुआयना करते हैं। ऊपर से किस तरीके से करेंगे, क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के जरिए क्या करते हैं मुआयना करते हैं, वो हमारा एरियल होता है। उसके बाद से मरीन सर्वे या हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, जब जल का सर्वेक्षण, जल का मतलब समुद्र हो गया, पहाड़ सॉरी समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखरा हो गया, उसका हम लोग सर्वे करेंगे कितना वाटर है, क्या लेवल है, कब घट रहा कब बढ़ रहा है, ठीक, कहाँ से पानी आ रहा कहाँ जा रहा है, वो सर्वे हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराएगा। उसके बाद से एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पृथ्वी के बाहर जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं, उनका सर्वे हमारा क्या कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल, जो मैंने उस टाइम आप लोग गलत बता दिया था, इस चीज को फिर से समझ लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या रहता है कि जो भी हमारे ग्रह या सैटेलाइट्स या जो भी उनका जो सर्वे कहलाता है वो हमारा क्या है एस्ट्रोनॉमिकल है। उसके बाद आता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे के अंतर्गत किसी भी शहर या गांव के अंतर्गत जो भी रोड हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन चीजें हैं, वाटर टैंक है, उनका सर्वे हमारा सिटी सर्वे कहलाता है। तो ये हमारे क्या हो गए लैंड बेस्ड सर्वे हो गए। देन हमारा क्या है पर्पस बेस्ड सर्वे। पर्पस बेस्ड सर्वे में हमारे कितने होते हैं, पहला इंजीनियरिंग सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल, मिलिट्री सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आइए पहला है इंजीनियरिंग सर्वे, जो भी हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का काम, रोड, कैनाल, डैम, ब्रिज, जितने भी हैं, उनके लिए जो सर्वे करेंगे वो हमारा क्या होगा इंजीनियरिंग सर्वे कहलाएगा। फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, वही पानी का सर्वे, मतलब समुद्र हो गया, रिवर हो गया, नहर हो गया, उनकी सर्वे जो कहलाएगा उनका सर्वेक्षण हाइड्रोलॉजिकल। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री द्वारा जो भी अपनी सीमा निर्धारित करना, रोड बनाना, जो भी चीजें हैं, ठीक, वो उनका क्या कहलाएगा मिलिट्री सर्वे कहलाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे, भूमि पृष्ठ पर जो भी जैसे नीचे या ऊपर जो भी हमारे नीचे जो भी पहाड़ के जो भी हैं या जो भी हमारे कोर हैं या जो भी मिनरल्स हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा करना, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा जियोलॉजिकल सर्वे कहलाएगा। समझ रहे हो जियोलॉजिकल, जितने भी हमारे ग्राउंड के नीचे जो भी हमारे मिनरल्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीजें हैं उनकी डिटेल्स को फाइंड करना कि कितना है, कहाँ पे है,
क्या अमाउंट में है, कौन सा मटेरियल है जियोलॉजिकल। माइन सर्वेइंग के अंतर्गत जो भी हमारे खदाने हैं, चाहे कोयले की हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे डायमंड की हो, जो भी खदाने हैं उसमें कितना मटेरियल है, कितना निकालना है, कब काम बंद करना है, कब करना है, कितने गहराई पे खान में कहाँ जाना है, वो हमारा क्या होगा, माइन सर्वेइंग होगा। और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग के अंतर्गत क्या चीजें आ जाएंगी, जो भी हमारे पुरानी इमारत उमारत है, बहुत साल पुराने हैं जो अभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं ऐसे उसमें है, उनकी जो निगरानी करता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, उनका वो सर्वे करता है कि कितना पुराना है, कितना मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है क्या है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहलाता है। फिर हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वेइंग। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वेइंग में जो हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट है जिनका उपयोग करके हम वो सर्वे करते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट के नाम पे जो सर्वे पड़ा रहता है वो सर्वे हमारा कहलाता है। जैसे चैन, डिस्टेंस नापने के लिए जो चैन सर्वेइंग करते हैं उसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, चैन होता है, तो उसके नाम पे पड़ा चैन सर्वेइंग। ठीक। फिर बेयरिंग नापने के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं कंपास, तो उसका यूज करके जो सर्वे करते हैं कंपास सर्वेइंग। ऐसे ही एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हम थियोडोलाइट यूज करते हैं, तो थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक। उसके बाद एरिया सर्वेइंग, वही फोटो क्लिक करना, फोटो फिर मिरर स्टीरियोस्कोप में ला के रख के उसको डिटेल फाइंड करके फिर सर्वे करना हमारा एरिया सर्वेइंग कहलाता है। उधर टोटल स्टेशन या EDM, ये भी हमारा डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। तो टोटल स्टेशन। फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग, यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लेन टेबल है। ठीक। इसलिए उस सर्वे को हम क्या कहते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग कहते हैं। देन हमारा आता है मेथड एम्प्लॉयड सर्वेइंग, कौन सा मेथड हम किस में उपयोग कर रहे हैं, पहला ट्रायंगुलेशन और दूसरा ट्रेवर्सिंग। ठीक। तो ट्रेवर्सिंग और फिर ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ये हमारे क्या थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अगर पेपर में आपके पूछता है कि सर्वेक्षण का वर्गीकरण करिए, तो आप इसी हिसाब से करेंगे, पहले प्लेन को, जियोडेटिक उसको डिटेल में रखिए, बाकी को आप क्या करिएगा, बस नाम वाइज क्या करके लिख के थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक। पर्पस के अकॉर्डिंग कभी कभी बस क्या करेगा कि कहेगा कि लैंड बेस्ड सर्वेइंग क्लासिफिकेशन करिए, सर्वे को क्लासिफिकेशन करिए लैंड के बेसिस पे, कभी कभी कहेगा पर्पस के बेसिस पे, कभी कहेगा इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, कभी कहता है कि मेथड एम्प्लॉयड के बेसिस पे, तब तो वहां पे आपको ये इनको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग बताइए, तो प्लेन और जियोडेटिक को क्लासिफिकेशन को डिटेल में करिए, अब बाकी लैंड बेस इन सबका नाम लिख के बस पॉइंट लगाइए किस लिए है, तो इनके इनके लिए, किसके लिए, क्या कहते हैं, सीमा निर्धारण के लिए, एरियल के लिए, जल के लिए, फिर सिटी सर्वेइंग किस लिए, माइन सर्वेइंग किस लिए, बस थोड़ा थोड़ा सा कि हाँ हमको पता है कि किस लिए है, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखोगे समय ज्यादा लगेगा, पेपर में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा था, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहां पे आपको अपने बुद्धि से का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, कि एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम आपको देने की आवश्यकता नहीं, कि एक क्वेश्चन को आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया उसके चक्कर में दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, छूट गया, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। जो मेन है प्लेन और जियोडेटिक उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके, बाकी को नाम लिख के बस थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हुए एक एक लाइन में चल करके उसको खत्म करेंगे। तो क्लियर है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर पॉइंट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग उसको नोट भी किए होंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग तक, आज हम लोग ने ऑब्जेक्ट पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पढ़ा, अब कल के लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे और आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, तो उम्मीद है चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू।